सारी गन और वो भी एक स्पोर्ट्स की दुकान पर। देखकर तो मेरा दिमाग खराब हो जाता है। हमारे घर का सबसे शैतान बच्चा आज बहुत सीधा बन के दिखा रहा होता है, क्योंकि उसको एक नया बैडमिंटन चाहिए था और उसके लिए कुछ भी कर सकता है। जैसे ही मैं स्पोर्ट्स की दुकान पे जा रहा होता हूँ, मेरे को एक शूज पसंद आ जाता है। औकात से बाहर के शूज को देखकर हम दुकान से ही बाहर निकल जाते हैं। तो रास्ते में चलते चलते हमें एक स्पोर्ट्स की दुकान मिल जाती है। शॉप के अंदर घुसते ही ये लोग हमें ऊपर भेज देते हैं। जितने में ये बैडमिंटन दिखाई रहे होते हैं, मैं इधर उधर देखने लग जाता हूँ। फिर मेरे को यही समझ में नहीं आता है कि ये बंदूक और हुक्का यहाँ पर कर क्या रहा है। तो अच्छे से कंपैरिजन करने के बाद अनंत को ये पसंद आ जाता है। इसको डन करने के बाद हम नीचे उतर जाते हैं और बिलिंग काउंटर पे पहुंच जाते हैं और इसके मुंह पे 12 बज रहे होते हैं, क्योंकि ये ऑनलाइन रेट से ज्यादा महंगा दे रहा होता है। वहां से निकलकर हम दूसरी दुकान पे पहुंच जाते हैं और अंदर जाते ही अनंत को एक बार में ही पसंद आ जाता है। बिलिंग काउंटर पे जाकर हम उसका वेट करने लग जाते हैं और फिर अनंत उससे बैडमिंटन खेलने लग जाता है। और बिलिंग करने के बाद अनंत के तो बल्ले बल्ले हो जाते हैं और हमारे पैसे बर्बाद हो जाते हैं। तो बैडमिंटन दिलवा कर वहां से बाहर निकल जाते हैं और काशीपुर की डेकोरेशन देख के तो मजा ही आ जाते हैं और फिर पनीर रोल और तंदूरी मोमोज खाकर तो मजा ही आ जाते हैं। चलो व्लॉग खत्म, बाय।